एलआरडीआई इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ द कैट, मतलब एलआरडीआई के अंदर अगर आपको स्कोर लेके आना है बहुत ही कॉशियस होकर बहुत ही स्मार्टली आपको रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज ये सेक्शन में स्कोर मैक्सिमाइज करने अगर आप गए तो बैंड बजेगी अपनी। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली इफ यू वॉन्ट टू हिट 99+ percentile इन एलआरडीआई सेक्शन। Alright, so before I start, Maneuver MBA Entrance, this is about the channel. यहाँ पे आपको MBA specific videos मिलेंगे. This is a separate channel with regards to the MBA Entrance preparation. So अगर आप ये video Maneuver MBA Entrance पे देख रहे हो तो subscribe कर लो, but अगर आप Maneuver Education channel पे ये video को देख रहे हो तो link मैंने description में दिया हुआ है channel का, जाके subscribe कर लेना. And do share this video to all your friends so that they should also be benefited from this video. So अगर आपका LRDI के अंदर score नहीं आ रहा है तो सबसे पहला reason ये होगा कि आपने गलत set pick किया हुआ है exam के अंदर और आपका time खराब कर रहे हो, बिकॉज LRDI का सेक्शन है ही टाइम खराब करने वाला, तो आपको बहुत स्मार्टली सेट को पिक करना पड़ेगा। नंबर टू, यू आर ग्रीडी इनफ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। LRDI के सेक्शन में सिर्फ कट ऑफ निकालो या तो स्कोर को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लो, बट आप सोचोगे कि यहाँ मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो तो पॉसिबल नहीं है LRDI का सेक्शन में। हाँ, वो क्वांट में हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, वर्बल वाले सेक्शन में हो जाएगा, बट LRDI में अपने को भाई स्कोर मैक्सिमाइज करना नहीं, आपको कट ऑफ निकालना है, उससे बेटर थोड़ा सा कट ऑफ से बेटर जाना है, ठीक है। तीसरा, सितंबर अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योर LRDI सेक्शन, मतलब एग्जाम के 2-3 महीना पहले ये सेक्शन पे ज़्यादा काम करोगे तो फायदा आएगा, तो जाके रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। सो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम के 2-3 महीने पहले LRDI पे टाइम ज़्यादा देना चालू कर देना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो LR के 10 क्वेश्चन आएंगे, DI के 10 क्वेश्चन, तो या तो 5-5-5 का सेट हो सकता है या तो 4-6-4-6 का सेट हो सकता है, अब ये डिपेंड करेगा, हर साल पेपर में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। बट हाँ, 20 क्वेश्चन आएंगे, ओके, 2 सेट यहाँ से 2 सेट यहाँ से, तो आपको सेट को बहुत वाइजली चूज करना है, ठीक है। अगर आपने गलत सेट उठाया तो भाई टाइम खराब करके आओगे आप, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना कि मैं कौन सा ऐसा फर्स्ट सेट उठाऊँ जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सो दैट आई कैन गेट दी सोल्यूशन। और अगर एक सेट में 5 क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि अपने को पांचों राइट ही करने हैं यार, अपने 3 राइट हो रहे हैं 4 राइट हो रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बहुत टफ या ट्रिकी होगा तो इट्स बेटर कि इसको स्किप करें हम लोग, अगर नहीं बन रहा है तो होगा क्या कि आप वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाओगे, वो ट्रिकी भी होगा, टफ भी होगा, नहीं बनेगा। तो आपको ये करना है कि आपको ईजी वाले क्वेश्चन, अगर हो सकता है तो सारे सेट में से ईजी वाले क्वेश्चन, मतलब अगर 4 सेट आ रहा है तो एक एक क्वेश्चन तो ईजी होगा हर सेट में, तो 4 क्वेश्चन राइट हो गए, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन राइट हो गए, मतलब कट ऑफ निकल गया 80+ percentile के आसपास। तो आप बाकी आपको क्या करना है, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन और हंट करने हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन राइट कर लिया मतलब आपका 95+ 98-90 के आसपास परसेंटाइल बनेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस। जितना हो सकता है टाइप्स ऑफ LR के क्वेश्चन, टाइप ऑफ DI के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके मॉक में देर आर 15+ mock फुल लेंथ कैट को लेके, सेक्शन वाइज मॉक है, उसके बाद टॉपिक वाइज भी मॉक है, प्रैक्टिस कर डालो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। परसेंटाइल कितना आएगा आपका, अगर आपका क्वेश्चन राइट होता है तो 5 क्वेश्चन अगर राइट होता है तो 80+ percentile बनेगा। दिस इज व्हाट द रफ और टेंटेटिव परसेंटाइल आई हैव टेकन। 6 क्वेश्चन राइट होगा तो 85+, मतलब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा राइट होगा तो 85+ percentile चला जाएगा। 7-8 क्वेश्चन राइट हुआ तो 90+ percentile, 9-10 क्वेश्चन राइट हुआ तो 97 से 98 के आसपास ये परसेंटाइल जंप करेगा, ठीक है। 11-12 क्वेश्चन 99+ percentile, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन पे भी 99+ percentile हो जाए आपका, तो ये डिपेंड करेगा कि उस साल का पेपर कितना टफ है और कितने लोगों ने एग्जाम लिखा हुआ है। तो 11-12 प्लस क्वेश्चन अगर राइट होते हैं 100 percentile, ठीक है। तो LRDI का सेक्शन आप देख लो कि भाई अगर 10+ क्वेश्चन राइट कर रहे हैं तो मतलब आप विन विन सिचुएशन में हो। तो आपको हमेशा ये समझना है कि एक सेट के अंदर अगर 4 या 5 क्वेश्चन है या तो 6 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन नहीं बन रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 5 में से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई सही है, इतने लेके निकलो आगे, ठीक है। ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना, स्पेशली ये वाले सेक्शन में। सिलेबस वाइज DI के अंदर टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, केसलेट, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। लॉजिक के अंदर आपके लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्शन, पजल वाले क्वेश्चन, कंडीशनिंग वाले क्वेश्चन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, डिडक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो 10 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 2 सेट यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो DI में अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले आपका
क्वांट के अंदर का अरिथमेटिक अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रेशो वाले क्वेश्चन आपके, ये बेसिक क्वेश्चन, और कैलकुलेशन पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए बिकॉज उसके एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होंगे. सो इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर क्लासरूम और द लाइव क्लास, तो अरिथमेटिक के बाद आपका डीआई तो चालू ही हो जाएगा, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना एक बार. उसके बाद आपको याद रखना है कि सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स मुझे इस पर ज़्यादा काम करना है. बाकी अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को भी आपके लेक्चर्स हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक, और उसके बाद अपने को ये सारे टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है. तो पहले आपका एटलीस्ट फाउंडेशन सही करो, लाइक अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक, सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, इंग्लिश पे काम करना चालू कर दो, और आपका LRDI जो है उसको थोड़ा थोड़ा करते जाओ, और लास्ट में अपने को सारे सेट को अच्छे से करना है और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. फॉर एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई, एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड जितने लोग CAT 23 फोड़ना चाहते हैं. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.